ये हिंदी व्याकरण की सीरीज जो मैं चला रहा था उसकी लास्ट वीडियो है। 2 दिन से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, तो आज मुझे ये टाइम मिला तो मैं उपसर्ग, एक टॉपिक रह गया था उपसर्ग और पत्ते जो लास्ट टॉपिक था उसको मैं आज कवर करा दूंगा। उपसर्ग और पत्ते जो लास्ट टॉपिक रह गया था उसको मैं आज कवर करा दूंगा, उसके बाद हिंदी व्याकरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से 5-6 टॉपिक थे मैंने वो सब करा दिए हैं। और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जो गद्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे जीवनी हो गया, जैसे चरित्रण, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बनाकर इसी तरह से मैं आपको दे दूंगा, या फिर उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। तो आप वो पीडीएफ देख के अगर कुछ भी नहीं करेंगे आप, अब मान लीजिए मुश्किल से 22 दिन बचा हुआ है, तो 22 दिन में आप पूरी विद्या तो पढ़ नहीं पाएंगे या अपनी बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप अपने नोट्स से अच्छी तैयारी करिए, अगर आपके पास अपने नोट्स बने हुए हैं तो आप उस नोट से अच्छे से तैयारी करिए। इनकेस आपके पास नोट्स नहीं हैं तो आप प्लीज़ मेरी ये प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, शॉर्ट जो मैंने ये 5 या 7 वीडियो डाली हैं वो आप है ना जरूर देख लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको अपलोड करूँगा, जैसे कि जीवनी और प्रश्न जो भी प्रमुख पात्र हैं उन सब के जो भी मैं अपलोड करूँगा वो ज़रूर आप देख लीजिएगा, भले ही थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको एक बार आप नज़र फेर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप उसी को पढ़ के जाइए रट के जाइए, लेकिन एक बार आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कंटेंट काम का है तो आप उसको पढ़ें, नहीं तो फिर आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो में आपको आज उपसर्ग और पत्ते ख़त्म कर देता हूँ, और मैं अभी शाम तक या फिर कल आपको 2 जीवनी अपलोड करके दे दूँगा। और मैं मैक्सिमम जीवनी आपको 4 ही अब याद करने के लिए बोलूँगा, 2 गद्य की 2 काव्य की, ठीक है। तो आप है नहीं ज़्यादा जीवनी के पीछे मत परेशान होइए कि 10-10 जीवनी याद कर लें, आपको सिर्फ 2 गद्य में और 2 काव्य में याद करनी है, उसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे बच्चों ये उपसर्ग टॉपिक लिखा हुआ है, उपसर्ग तो शब्द के पूर्व भाग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व भाग में लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। नोट, संस्कृत व्याकरण के अनुसार संस्कृत भाषा में उपसर्ग होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आ आओ उप अप अधि अपि अधि अनु सम सु नि वि रि षा, ये सब है ना, ये सब उपसर्ग हैं संस्कृत के। और हिंदी में भी उपसर्ग होते हैं जो इनसे मिलते जुलते होते हैं। तो जो शब्द, अब मान लीजिए इस शब्द का कोई मतलब नहीं, अव कहीं आप अव लिख दीजिए उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जब ये किसी शब्द में है ना शुरुआत में लग जाते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं। तो ये है ना जिन शब्दों के आगे लग के उसका अर्थ बदल दें या फिर उसमें कुछ विशेषता उत्पन्न कर देते हैं तो ये उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पेपर में आएंगे कि ऐसे आप 4-5 आपको उपसर्ग दे देंगे, जैसे आ वि सु प्रा प्रति कु औ, इसमें से कहेंगे आप 5 आएंगे 5 में से आपको 3 या 2 ही कहते हैं कि आप है ना दिए गए उपसर्ग से 3-3 शब्द बनाइए या 2-2 शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पे हो गया है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना, जैसे यहाँ पे ये परी, ठीक है, परी उपसर्ग दे दिया, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आपने परी उपसर्ग के 2 शब्द बनाइए, ठीक है, तो आप इसे कौन से शब्द बना सकते हैं बताइए। अब सोचिए आप बच्चों, आप सोचिए, आप जितना सोचने की कोशिश करेंगे, जितना आप अपना दिमाग लगाएंगे उतनी जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे परिवार मैंने बोला था, जैसे पर मैं मैंने परी, तो यहाँ पे परी से आपका 2 शब्द बनाने, तो एक तो परिवार हो गया, देखिए परी आपका उपसर्ग आ गया, उसके बाद वार, देखिए ठीक है 2 शब्द बन के, देखिए ये आपका शब्द हो गया, ये उपसर्ग हो गया, दोनों मिलके आपका परिवार हो गया। और दूसरा शब्द आप बनाइए, कोई दूसरा शब्द मान लीजिए जिससे परी से शुरू, आप परिधान, ठीक है, परिधान मतलब एक तरफ से वस्त्र होता है जो आपका पहनावा होता है, तो ये परिधान, ठीक है। राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे कहते हैं मेरी राइटिंग गंदी है, जिनकी राइटिंग अच्छी होती है उनको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, जिनकी राइटिंग गंदी होती है उनको बहुत कम नंबर मिलते हैं। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी राइटिंग देख सकते हैं, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, 10th में भी गंदी थी और ग्रेजुएशन जब मैंने किया तब भी मेरी राइटिंग ऐसी थी, और मेरे प्रोफेसर भी कह देते थे कि बेटा तुम्हारी राइटिंग बहुत ही गंदी है,
लेकिन फिर भी मैं हिंदी में ठीक ठाक नंबर ले आता था और अच्छे, मैं पासिंग नंबर लेकर आता था और अच्छे नंबर लेकर आता था। मैं आपको मार्कशीट का भी शेयर करूँगा अपनी, 2012 या 10 में पास आउट हूँ। इंटरमीडिएट मैंने 12 में और हाई स्कूल मैंने 10 में पास आउट किया था, और उस समय मैंने नंबर अच्छे खासे नंबर डिटेक्शन ली थी और इसी गंदी राइटिंग के साथ में। लेकिन मैंने संस्कृत का जो होता है और व्याकरण का पार्ट बहुत अच्छा कवर किया था। एक सर थे, मैं उनका भी नाम सजेस्ट बताऊँगा आपको, और जो मेरे स्कूल के बच्चे होंगे वो शायद उनको जानते होंगे। तो बच्चों, राइटिंग से आपका कोई मायने नहीं होता है, हाँ दो चार नंबर का आपका अंतर पड़ जाता है, जिसकी ज़्यादा अच्छी राइटिंग होती तो उसको कुछ दो तीन या चार नंबर ज़्यादा दे देगा, उससे ज़्यादा थोड़े ना दे देगा। तो आप जितना अच्छा कंटेंट लिखेंगे आपको कंटेंट का नंबर मिलता है। तो आप बच्चों राइटिंग पे मत परेशान होइएगा कि आपको कम नंबर मिलेंगे, तो आप अच्छा लिखेंगे तब ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, या गंदा लिखेंगे तो उस पर कोई मैटर नहीं मिलता। आप सही लिखेंगे और इफेक्टिव लिखेंगे, मत मान लीजिए आप अच्छा लिखेंगे तो लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए बस, ठीक है। तो राइटिंग को लेकर मत परेशान होइएगा, मेरी भी गंदी राइटिंग है आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये प्रा लिखा हुआ है, अब प्रा शब्द से आप कौन से दो शब्द या तीन शब्द आप कोशिश करिए कौन बना सकते हैं बताइए। और या आओ हो गया, या अप हो गया, अति हो गया, इन सबको आपको दो दो शब्द बनाने, दो दो, ठीक है। इन सब का आपका है नहीं, आप है नहीं, हर शब्द से आपको उसमें आपको तीन से चार शब्द दे देंगे जिसमें आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे शुरुआत देखिए, यहाँ पे आ गया, ठीक है। आ से आपको मान लीजिए आ आपका है नहीं, उपसर्ग लग गया, और कार, ठीक है, आकार, देखिए एक शब्द बन गया। और दूसरा आप देखिए और क्या बना सकते हैं बताइए, देखिए आ हो गया और इस पे पीछे जीवन, ठीक है, तो आजीवन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आपको सारे शब्द का है नहीं दो दो शब्द बनाने हैं, जो उपसर्ग लगा के आपको, उपसर्ग लगा के आपको दो दो शब्द बनाने हैं। सु हो गया तो आप लिख लीजिए, एक देखें अभी राइटिंग से रिलेटेड आ गया, देखिए सु लेख, मतलब जो अच्छा लेख हो, ठीक है, सु लेख। और एक शब्द कोई बताइए आप, आप जितना आप अपने मन से करने की कोशिश करेंगे ना उतना अच्छे से आप सीखेंगे और आसानी से आप पेपर में भी कर पाएंगे। रटने से कुछ नहीं होगा, आप जितना समझेंगे और जितना प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। देखिए सु जान, ठीक है। अब वी से बताइए, आप वी से क्या शब्द बना सकते हैं बताइए, आपको तो एक सब्जेक्ट ही हो गया आपका, देखिए विज्ञान, ठीक है। यहाँ पे वी उपसर्ग हो गया आपका, ये शब्द हो गया। यहाँ पे आ उपसर्ग हो गया, कार शब्द हो गया, आ उपसर्ग हो गया, जीवन शब्द हो गया। इसी तरह आपको बनाने हैं। अब वी से अब दूसरा कोई शब्द आप बताइए आप, तो ठीक है। ये देखिए एक विलाप, बहुत शब्द हैं, देखिए विलाप, ठीक है, लाप विलाप मतलब दुख होता है, देखिए वी और लाप, ठीक है। अपरा से बनाइए, देखिए हार और प्रा, देखिए प्रहार, ठीक है। और समय इलेक्शन भी आ रहे हैं तो प्रचार भी चल रहा है, ठीक है, देखिए प्रा और चार, ठीक। अब कु, देखिए कु ये हिंदी का है, आप संस्कृत का नहीं है, ये कु है नहीं हिंदी का नहीं उपसर्ग है। तो आप जितना मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं मुश्किल से आप ये देख सकते हैं, इतने ही सारे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। आप इन्हीं पे प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका इसके बाहर जाएगा नहीं, आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको पाँच आएंगे, पाँच में से आपको तीन के दो दो लिखने रहेंगे, ठीक है, तीन के दो दो या दो के दो दो शब्द बनाने पड़ेंगे, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। क्योंकि ये मैंने कम से कम 5 से 7 साल के पेपर उठा के उसका मतलब जितने भी पेपर हुए हैं उनमें मैंने देखे हैं, तो यही सब रिपीट करके पूछें, इससे ज़्यादा नहीं, तो आप आराम से ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बाहर मत पढ़िएगा, आप इसी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका आसानी से हो जाएगा। अब देख कु, कु से क्या बना सकते हैं, देखिए कुपुत्र, देखिए कुपुत्र, ठीक है, कुपुत्र हो गया। और बताइए क्या बना सकते, देखिए संगत होती ना, संगत कुसंगत मतलब गलत लोगों के साथ संगत,
उप देखिए, उप क्या होता है बताइए। देखिए उपहार होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए उप आ गया, इधर हार हो गया। और बताइए उपनाम हो गया, मतलब उपनाम, जैसे घर में दो दो नाम नहीं होते हैं, किसी के नाम रख दे कालू, उसका रियल नाम होता सौरभ, जैसे अस्मित उसका नाम कलुआ, तो ऐसे मतलब उपनाम, मान लीजिए उपनाम यही होता है ना, जो जिसके दो दो नाम हो जाते हैं, वैसे उपनाम रख के गलत सेंस मत लीजिएगा। मतलब घर पे जो हम लोग बोलते हैं उपनाम, एक लोग के दो नाम होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी इस अभी, अब मान लीजिए अभी का आप क्या बना सकते हैं कि अभिमान, ठीक है। आपको दो दो शब्द बना, देखिए यहाँ पे अभी, यहाँ पे मान, और क्या बना, अभिशाप, ठीक है। और बताइए देखिए यहाँ पे अधि आ गया है, अब अधि का आप क्या कर सकते हैं, देखिए अधि प्लस कार तब अधिकार, और नायक होता है तो अधिनायक, ठीक है, अधिनायक बना सकते हैं। यहाँ पे सह, अब सह से क्या होता है, योग होता है, सहयोग हो गया, सहपाठी हो गया, सहयोग, साथ में पढ़ने वाला सहपाठी आपका, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, सहचर हो गया, सहकारी हो गया, सहयोगी हो गया, सहकर्मी हो गया, साथ में काम करने वाला। तो आप है ना ऐसे बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, आपको सिर्फ दो शब्द अच्छे से करने हैं वहाँ पे बस। अब इसे अनु हो गया, तो अनु प्लस कर, अनुकरण, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का अनुकरण करना, और अनुरूप या अनुगामी या अनुयायी मान लीजिए। अब हिस्ट्री में आप ये शब्द बहुत मतलब पढ़ते होंगे, कौन से धर्म के अनुयायी थे, जैसे जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, उस समय हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, तो आपका सब्जेक्ट होगा तो हिस्ट्री में ज़रूर पढ़े होंगे, तो अनुयायी उससे हो गया, अनुज हो गया, अनुवाद हो गया। अब मान लीजिए अति शब्द आ गया, अति से आप क्या बना सकते हैं बताइए, अतिरिक्त तो हो गया, देखिए अति प्लस रिक्त, ठीक है, अतिरिक्त तो हो गया। और क्या बना सकते हैं, अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे अति नहीं आया है, और मैंने अत्यधिक लिख दिया, बोल दिया अति, अति से हो गया, ठीक है। तो बेटा जब यहाँ पे इसको है नहीं, देखिए मैं अत्यधिक को यहाँ पे बताता हूँ, जब आपके इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो मैंने बताया था ना जहाँ पे आधे अक्षर के साथ है नहीं या आ जाए, तो वहाँ पे या ख़त्म हो जाता है, उसके पहले है नहीं छोटी की मात्रा लग जाती। तो देखिए यहाँ पे ता है, ये देखिए अति और प्लस अधिक, तो यहाँ पे आ की देखिए यहाँ पे आ जाएगा और अधिक, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको संधि पहले पढ़ाई थी, मैंने बोला था आपका तत्सम और तद्भव उपसर्ग प्रत्यय में आपका संधि काम आएगी, तो इसीलिए मैंने बोला था। देखिए यहाँ पे अति प्लस अधिक, देखिए आ गया अति, तो अति आपका प्रत्यय उपसर्ग हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए अपमान, अपमान, और बताइए अप से आप दो तीन शब्द बताइए, अपमान होंगे से, और अपयस भी होता है, अपवाद भी होता है, वाद अपवाद, ठीक है। अब अव आ गया है, अव से आप बताइए, वैसे अवतार, जैसे श्री राम, जैसे श्री रामचंद्र जी नहीं विष्णु जी के अवतार हैं, तो ये अवतार एक शब्द हो गया। अवगुण, ठीक है, गुण, और ये अव आ गया अवगुण। और बताइए आप, देखिए यहाँ पे प्रा रह गया, प्रा से दो शब्द बनाइए, प्रा
पराजय हो गया, ठीक है, और पराक्रम, ठीक है। ये उपसर्ग आपके देखिए, ये पूरे उपसर्ग आपके क्लियर हो गए हैं। तो इसी तरह आप वहाँ पे भी आप है प्रैक्टिस करेंगे, और इतने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पेपर में आसानी से हो जाएगा, और ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पूरा आप परिभाषा पढ़ें क्या होता है क्या नहीं होता है, आप इतने आप क्वेश्चन याद रखें, इनको आप दो दो शब्द बनाने हैं इन्हीं शब्दों के, और आसानी से आप पेपर कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। जैसे अभी हमने उपसर्ग पढ़ा है उसी प्रकार ये प्रत्यय होता है। जैसे उपसर्ग जिस प्रकार शब्द के पहले लगते थे वो उपसर्ग कहलाते थे, उसी तरह जो प्रत्यय होते हैं ना वो शब्द के पीछे लगते हैं। तो जैसे मैंने कुछ शब्द लिए हैं, आप ये देखिए, बस इतने ही शब्द आपको इसमें भी प्रत्यय में करने हैं, और प्रत्यय में भी ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे 7 से 8 शब्द उसमें देखिए ये हैं, ये इन्हीं को आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसी में से आपको पेपर में भी आ जाएंगे, क्योंकि ये भी मैंने छांट के लिखे हुए हैं पेपर से, जो पिछले साल के पेपर कुछ हुए हैं उसमें से मैंने ये छांट के निकाले हुए हैं। तो आप देखिए, जैसे आई हो गया, ये आई शब्द ऐसे कौन से शब्द हैं जो आप है जिसमें लास्ट में आई ला के बना सकते हैं, बताइए बताइए। देखिए पिसाई, ठीक है। अब आप कहेंगे पिसाई इसमें कहाँ से आ गई, देखिए पिस अलग कर लेंगे आप, और यहाँ पे देखिए बड़ा आ की मतलब, तो यहाँ बड़ा आ प्लस आई, ठीक है। और बताइए घिसाई हो गई आपकी, ये यहाँ पे जिस लास्ट का आप अंश निकालेंगे यहाँ पे, देखिए बड़ा आ है तो यहाँ बड़ा आ अलग हो जाएगा, आई लिखी हुई यहाँ पे देखिए तो आई हो जाएगा, ठीक है। दो दो शब्द आपको बनाने पड़ेंगे। अब महंगाई भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सिंचाई हो गई आपकी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे महत्व हो गया। आप महत्व के आपके 2 से 3 शब्द ऐसे कोई आप जो बना सकते हो, बताइए। जैसे महत्व हो गया, देखिए आधा ता के लास्ट में आधा ता, और देखिए ये देखिए, ठीक है। और बताइए जैसे प्रभुत्व या बंधुत्व कह लीजिए, लघुत्व कह लीजिए, देखिए आधा ता व आगे लघुत्व, बंधुत्व, ठीक है। अपता से आप बताइए कौन से शब्द आएंगे, सुंदरता हो गई, देखिए ता आ गया लास्ट में, और महान, महानता हो गई, विशेष, जैसे बच्चों पन से बचपन, बचपन, ठीक है, बचपन शब्द बन जाएगा। और बताइए क्या बन सकते हैं पन से, भोलापन, देखिए एक भोला हो गया, भोलापन, देखिए लास्ट में पन आ गया, ठीक है, पन प्रत्यय से। और बताइए पागलपन कह सकते हैं आप, पागलपन, देखिए शब्द के बाद में जोड़कर, देखिए शब्द के बाद में जुड़ रहा है पन, ठीक है, पागलपन। ऐसे अब ये आवा, आवा का बताइए कैसे बना सकते, लास्ट में वा हो सकता है, वा या आवा दोनों से बन सकता है, कभी कभी यहाँ पे वाह भी लिखा होता है लास्ट में। तो देखिए दिखावा, ठीक, पहनावा, और बताइए
चढ़ावा, आहट से। अब आहट से आप कौन से शब्द बना सकते हैं, तीन बताइए, जिसमें जो शब्द के बाद में जुड़ के शब्द बनाए, तो ऐसे आप कौन से शब्द बना सकते हैं। देखिए घबराहट, देखिए यहाँ पे आहट, देखिए यहाँ पे आ ये है बड़ा आ हट, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे बड़ा आ निकल के आ जाएगा। ठीक है, और बताइए जगमगाहट, जग मग आहट, ठीक है, जगमगाहट होता है, जगमगाहट। और बताइए हवा कैसे चल रहती है, हवा चलती है सर सराहट, ठीक है। अब बताइए ये शब्द लगाकर, ये वो प्रत्यय लगा कौन सा शब्द बना सकते हैं आप, वहाँ, ऐसे कौन से जिसमें लास्ट में उच्चारण वहाँ है, वहाँ, जैसे पांचवा, सातवा, आठवा। अब ये शब्द लग के मतलब अंत में ये उच्चारण है, बताइए ये कौन होता है, जैसे नगर होता है नगरी ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा है, अब इसको अलग करेंगे तो बड़ी ई बन जाएगी, यहाँ पे मैं बताता हूँ नगर नगरी है, अब इसको अगर अलग करेंगे नगर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा लगी हुई तो यहाँ पे बड़ी ई आ जाएगा, या आ जाएगा, तो यहाँ देखिए ई आ गया ना, तो ये अंत में आया, तो इस तरह आप देखेंगे। जात, देखिए जातीय, अब यहाँ पे आप कहेंगे ये तो आया नहीं, देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, अब इसको भी इसी प्रकार अगर अलग करेंगे तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बताता हूँ जातीय, तो इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे जा, ये छोटी ई इसको कर देंगे इधर, जाति प्लस ये बड़ी ई, ठीक, अगर ये दोनों जुड़ेंगी छोटी प्लस बड़ी मिलकर बड़ी ई बनाएंगे तो यहाँ पे बड़ी ई आई हुई। मानवीय या भवदीय, ठीक है, अभी लास्ट हो गया आने या आइन, ठीक है, अभी बस इतने पांच छह शब्द हैं, सात आठ, अब आपका प्रत्यय इसी से हो जाएगा, आप इसी शब्द को प्रैक्टिस करते रहिए आराम से हो जाएगा। सेठ का होता है सेठानी, देखिए यहाँ पे आनी आ गया, देखिए आ और नी, देखिए आनी। और नौकरानी, नौकर के नौकरानी, देवर की देवरानी, तो आनी आनी, देखिए आनी आनी है नहीं, उच्चारण आना चाहिए लास्ट में, देखिए आनी। और जैसे जैसे आइन लिखा हुआ तो आइन भी हो जाते हैं, जैसे पंडिताइन और ललाइन, तो वैसे भी शब्द आ जाते हैं, तो आप बच्चे इसको अच्छे से तैयारी करिए और इसी को प्रैक्टिस करिए, तब तक मैं कुछ नहीं आपके जो गद्य के पोर्शन है उसके कुछ नोट्स तैयार करके मैं उसके भी वीडियो आपको अपलोड करा दूंगा। फिलहाल व्याकरण के आप ये प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।